दोस्तों, अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के एप्लीकेशन में दो बड़े अपडेट आ गए हैं जो शायद अभी तक आपको नहीं पता होंगे, तो मैं आपको वो अपडेट देने जा रहा हूँ। बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर दो अपडेट आए हैं जो कि 15 दिसंबर को आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड के दो अपडेट आ चुके हैं जिनमें आपको अब ये ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको पूरा ये दिखाऊंगा कि ये ऑप्शन आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे और इनमें क्या क्या ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक अपना प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है तो प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद मैं यहाँ पे इसे लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ कि कौन से अपडेट आए हैं और क्या क्या फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। हम यहाँ पे अपना मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन लॉगिन कर रहे हैं, आपके सामने है, मैं यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं हमारा जो मोबाइल बैंकिंग है वो लॉगिन हो चुका है। आपको पता है इस तरीके से इसका होम पेज हमें देखने को मिलता है जहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब आप देखेंगे ये कार्ड सर्विस का एक नया ऑप्शन आ चुका है जहाँ पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ऑप्शन आ चुके हैं। दोनों में सर्विसें भी आपको सारी मिल जाती हैं, जितनी भी सर्विस कार्ड के रिगार्डिंग होती हैं वो सारी सर्विसें आपको मिलती हैं। जैसे कि डेबिट कार्ड पर हम क्लिक करते हैं तो डेबिट कार्ड पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी सर्विसें हैं। सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट सेलेक्ट करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कार्ड नंबर नीचे आ चुका है। इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कार्ड से रिलेटेड सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हमारा कार्ड आ रहा है जो कि एक्सपायरी डेट वगैरह सब आ रहा है, एक्टिव दिखा रहा है। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन आप देख सकते हैं, सबसे पहले हॉट लिस्ट का है जहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं कार्ड को, दूसरा टेम्परेरी ब्लॉक भी कर सकते हैं, तीसरा यहाँ पे जनरेट रीसेट पिन का है। अगर आपको ATM कार्ड का पिन वगैरह भूल गए हैं या नया बनाना है तो आप जनरेट रीसेट पिन पे क्लिक कर सकते हैं। चेंज पिन पे भी क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं अपने पिन को। मैनेज लिमिट पे आप अपनी कार्ड की सारी लिमिट यहां से मैनेज कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने पहले भी आपको बना के दिया हुआ है। और उसके बाद जो है मैनेज चैनल है, तो यहाँ पे चैनल पर अगर क्लिक करेंगे तो चैनल पे आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस कार्ड को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज नहीं करना चाहते हैं। वो सारी सर्विसें आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी सर्विसें इनेबल नहीं है, तो यहाँ पे आप इनको जो सर्विस चाहते हैं उसको ऑन कर सकते हैं, जिस सर्विस पर चाहते हैं उस पर ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल ई कॉमर्स ये ऑफ है, इंटरनेशनल POS, इंटरनेशनल ATM ये सारे अभी ऑफ हैं, क्योंकि ये जो है RBI गाइडलाइन के हिसाब से जो है सारी सर्विसें अब ऑटोमेटिक ऑन नहीं होती, ये आपको अपने खुद से मैनेज करनी होती है। अब आप यहां पे जो भी सर्विस चाहते हैं बस आपको उसके सामने केवल टैप करना है, ये ऑन हो जाएगी और उसके बाद सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से इस कार्ड को पूरा जो है आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से है क्रेडिट कार्ड का। अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, आपके पास बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड है, तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सर्विस पे क्लिक करके देख सकते हैं। सेम वही ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जो यहाँ पे दिखेंगे। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं है तो वो ऑप्शन नहीं ओपन होंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सारे वही ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि अभी डेबिट कार्ड में हमें मिले थे, वही ऑप्शन सारे आपको क्रेडिट कार्ड के भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब जो है बहुत ही ईजी है, अगर आपके ATM कार्ड पिन वगैरह खो गया है या किसी तरीके से अपने कार्ड को मैनेज करना चाहते हैं तो आप इसी एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं, जो कि अभी तक यहां पे ये ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता था। यहां पर बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो पिछला अपडेट आया था उसमें केवल डेबिट कार्ड जोड़ा गया था, लेकिन अब ये 15 दिसंबर को नया अपडेट आया है तब ये क्रेडिट कार्ड भी यहां पे जोड़ दिया गया है। अब इसी एप्लीकेशन की मदद से आप डेबिट और क्रेडिट दोनों कार्ड जो है मैनेज कर सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। तो यहाँ पे ये छोटा सा अपडेट था जो मैंने आपको दे दिया। अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर लेना जिससे कि हमारे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।